नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस के ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आप लोगों के सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सीटेट हिंदी शिक्षण को पढ़ रहे थे, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी जो हमने पढ़ा पिछले उसमें वो हमने मापन पढ़ा, इसके साथ ही साथ आपका आकलन भी पढ़ चुके हैं, और ये आपका मूल्यांकन है। जो आपको यहाँ से मूल्यांकन की जो प्रकृति है वो आप समझोगे, और मूल्यांकन है कैसा, मूल्यांकन के प्रयोग क्या हैं, और मूल्यांकन क्यों करते हैं, इन सब के बारे में जो आप जानोगे वो यहाँ से आप जान पाओगे। तो मूल्यांकन का जो ये मित्रों पार्ट है, ये आपको पार्ट फर्स्ट मिल रहा है। मूल्यांकन थोड़ा सा जो चैप्टर है वह कह लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, तो जिसकी वजह से इसका भी मुझे पार्ट सेकंड बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपको इवैल्यूएशन मिल रहा है, इवैल्यूएशन में आप देखोगे कि ये आपका यानी मूल्यांकन को जो कहा जाता है इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है उसके बारे में यहाँ हम जानेंगे कि मूल्यांकन की जो प्रकृति है वह प्रकृति कैसी होती है और कैसी आपकी प्रकृति नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा कि जिस प्रकार के माध्यम से बच्चों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों को जाना जाता है, यानी जिस प्रकार के माध्यम से बच्चों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों को जाना जाता है, यानी जिस प्रकार के माध्यम, यानी जब कोई माध्यम होता है और जिस माध्यम से बच्चों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों को जाना जाता है, यानी बच्चों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों को, यानी किस मात्रा में कोई अगर चीज़ है आपके पास तो किस मात्रा में उपस्थित है और किस गुण में उपस्थित है, इसके बारे में जाना जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि माध्यम से बच्चों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों को जाना जाता है, उस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यानी उसी प्रक्रिया को जो यहाँ संज्ञा दी जाती है उसे क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेते रहिएगा, क्योंकि जैसे ये ख़त्म होता है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या कह लीजिए कि लास्ट में आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया करिए। कई बार मुझे जब तक याद रहता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कह नहीं पाता और मैं खुद ही उसको इरेज कर देता हूँ, तो आप पहले ही उसका क्या किया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो वही बात है कि जिस प्रकार के माध्यम से बच्चों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यों को जाना जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूल्यांकन। यानी बच्चों के मात्रात्मक और गुणात्मक जो उनके अंदर खूबियां हैं उनको जानने के लिए जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यानी बच्चों के अंदर जो गुण हैं और उन गुण में कितनी मात्रा है, यानी जो गुण हैं और गुण के साथ साथ उनकी मात्रा क्या है, जिस प्रक्रिया से हम जानते हैं उस प्रक्रिया को जो नाम दिया जाता है मूल्यांकन नाम दिया जाता है। आकलन अनुमान पर आधारित होने के कारण असत्य हो सकता है, यानी जो आकलन होता है वह अनुमान पर आधारित होने के कारण क्या हो सकता है, आपका गलत हो सकता है। जो आकलन होता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आकलन जो होता है वो अंदाज़ा लगाना होता है, यानी अनुमान लगाना, तो आकलन अनुमान पर आधारित होने के कारण क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है। यानी जो आकलन होता है वो अनुमान पर आधारित है, और जब अनुमान पर आधारित है तो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है और सही भी, दोनों हो सकता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि गलत हो, या ऐसा भी नहीं है कि आपका सही हो, तो क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो किस पर आधारित होता है, मापन पर आधारित होता है। यानी क्या होता है, जो मूल्यांकन होता है किस पर आधारित होता है, मापन पर आधारित होता है, और मापन पर आधारित होने के कारण यह क्या होता है, हमेशा जो आपको देखने को मिलेगा वह आपको सत्य ही देखने को मिलेगा। या लेकिन जो मूल्यांकन, मैंने बताया कि लेकिन मूल्यांकन क्या होता है, मापन पर आधारित होने के कारण हमेशा क्या होता है, आपका सत्य ही होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मापन की प्रक्रिया गलत हुई तो मूल्यांकन गलत होगा।
देखिएगा, अगर पहला स्टेप आपका गलत हुआ तो निश्चित है कि सेकेंड स्टेप भी आपका क्या होगा, गलत ही होना है, यह तो आपको पता ही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिएगा कि ध्यान रहे कि अगर आपने जो मापन की प्रक्रिया है, अगर आपने मापन की प्रक्रिया गलत की है तो मूल्यांकन आपका गलत होना ही है, क्योंकि जो मूल्यांकन आधारित होता है वह मापन पर ही आधारित होता है। यानी जो आप मूल्यांकन करते हो तो जो मूल्यांकन की प्रकृति होती है वह किस पर आधारित होती है, मापन पर आधारित होती है। तो मापन की प्रक्रिया गलत हुई तो मूल्यांकन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वह किस पर आधारित होता है, मापन पर आधारित होता है। क्योंकि जो आपका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है, मापन पर आधारित होता है। मापन से हम ज्ञान की मात्रा का बोध करते हैं। जो मापन होता है, मापन से हम क्या करते हैं, ज्ञान की मात्रा का बोध करते हैं। यानी मापन से हम क्या करते हैं, मापन से हम ज्ञान की मात्रा का बोध करते हैं। यानी जो मापन होता है, मापन से क्या करते हैं, हम ज्ञान की मात्रा का बोध करते हैं कि ज्ञान किस मात्रा में आपके पास है। तो मापन से ज्ञान की मात्रा का बोध करते हैं तथा उनके गुणों की मात्रा का भी बोध करते हैं। यानी जो उनके अंदर गुण होते हैं तो जो गुण हैं उनमें क्या होता है, उनके गुणों की मात्रा का भी क्या करते हैं, बोध करते हैं। यही बात की गई ना कि मापन से हम ज्ञान की मात्रा का बोध करते हैं तथा उनके गुणों की मात्रा का भी क्या करते हैं, बोध करते हैं। लेकिन मूल्यांकन में हम गुण तथा मात्रा के साथ ही साथ कारणों का भी पता करते हैं। देखिएगा, सबसे मेन पॉइंट यहीं पर ही है कि जब आप मापन करते हो तो मापन में आप गुण को तो जानते ही हो। यानी जब आप मापन करते हो तो मापन की प्रक्रिया में आप मात्रा को जानते हो और गुण को भी जानते हो। यानी जो मापन की प्रक्रिया होती है, मापन की प्रक्रिया में गुणों को भी जाना जाता है और किसको जाना जाता है, उसकी मात्रा को भी जाना जाता है। लेकिन जब आप मूल्यांकन की प्रक्रिया को करते हो तो मूल्यांकन की प्रक्रिया करने के पश्चात, या कह लीजिए कि मूल्यांकन की जब प्रक्रिया आप अपने द्वारा करते हो तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में आप मात्रा जानते हो, गुण भी जानते हो, लेकिन उनके गुणों की क्या होती है कि उनके साथ ही साथ आप उनके कारणों का भी पता करते हो कि किस कारण से जो यह गुण हैं बालक के अंदर वह कम हैं तो क्यों कम हैं और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी जो आप जानते हो वह मूल्यांकन के माध्यम से ही जानते हो। मतलब कहने का अभिप्राय मेरे यह हुआ कि जब आप मापन करते हो तो मापन से सिर्फ उसकी गुणों के बारे में जानोगे और उसके साथ साथ किसके बारे में, उसकी मात्रा के बारे में। लेकिन जब आप मूल्यांकन की प्रकृति करते हो तो मूल्यांकन की प्रकृति करने में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसके जो उसके कारण होते हैं, यानी किसके कारण, कि जो आपके गुण की मात्रा है वह मात्रा कम क्यों है, तो उसका क्या करते हो, आप कारणों का भी पता करते हो। तो क्या करते हो, कारणों का भी पता करते हो। तत्पश्चात कारणों के आधार पर ही उपचार करते हैं। यानी तत्पश्चात आप क्या करते हो कि जो कारण होते हैं उन कारण को देखते हुए ही आप क्या करते हो, उपचार करते हो। यानी जो आपके पास कारण हैं उन कारणों को देखते हुए ही आप क्या करते हो, उपचार करते हो। भाई अगर किसी बालक को पढ़ने में समस्या हो रही है, अगर कोई बालक है और बालक को अगर पढ़ने में कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या का आप जो उपचार करोगे वो कैसा करोगे, जब आप मूल्यांकन की प्रगति कर रहे हो। यानी पहले मापन हुआ, अगर कोई बालक है आपने उसको देखा कि कक्षा पाँचवीं में पढ़ता है, पाँचवीं पढ़ने के पश्चात उसको जो हिंदी है हिंदी कम आती है, हिंदी क्या है,
कम आती है, और हिंदी में उसने एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर जो आपका 50 नंबर का होता है, और 50 नंबरों में से अगर बालक ने सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब हिंदी में क्या है, वो वीक है पॉइंट, यानी बालक का हिंदी में जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वीक है। तो यहाँ पर तो आपने मापन किया कि बालक हिंदी में है, यानी पाँचवीं में पढ़ता है, हिंदी विषय में उसके 50 में से कितने नंबर आए हैं, 20 नंबर आए हैं, यानी 50/20, यानी 50 में से कितने नंबर बालक को मिले, 20 नंबर। तो जो ये कारण है, अब यहाँ पर कारण होगा कुछ ना कि बालक ने सिर्फ 50 में से 20 नंबर ही क्यों प्राप्त किए हैं। भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि बालक के सामने अगर 50 नंबर की बात हो रही थी, तो बालक 50 नंबरों में से सिर्फ 20 नंबर क्यों प्राप्त किया। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, कारण जानते हो, और कारण जानने के बाद यानी आपने इसका क्या किया, एक प्रकार से निदान हुआ, और जब निदान हो गया तो फिर आप यहाँ आके क्या करते हो, उपचार की प्रक्रिया करते हो। तो क्या करते हो, आप उपचार की प्रक्रिया को आप संपादित करते हो। अगर सीधे शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक डायग्राम देखिएगा, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की लाइनें कुछ मैं हटा रहा हूँ, देखिएगा। देखिएगा, मापन में आपने देखा कि मापन में आपको गुण पता चलता था, इसके साथ ही साथ उसकी मात्रा का बोध होता था। मापन में यही चीज़ होता था, मापन में गुण पता चलता था और मात्रा। लेकिन जब आप मूल्यांकन की प्रगति करते हो तो मूल्यांकन की प्रगति में गुण भी पता चलता है प्लस मात्रा भी। और अगर मात्रा कम है तो यह कम क्यों है, इन कारणों के बारे में भी आपको पता चलता है। यानी समझिएगा, यहाँ पर जब आप मापन की प्रक्रिया करते हो तो मापन में क्या पता चलता है, गुण और मात्रा पता चलती है। लेकिन जब यह प्रक्रिया मूल्यांकन की आप करते हो तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में गुण पता चलता है, मात्रा। और मात्रा अगर आपकी कम है, यानी जो मात्रा है अगर यह घट रही है, ऋणात्मक हो रही है, तो इन कारणों के बारे में भी आप जानते हो कि कारण क्या हैं। और उन कारणों को जानने के बाद, यानी कह लीजिए यहाँ पर आपका क्या होगा, निदान होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, उपचार होगा कि आप किस कारण से ये नंबर कम पाए हैं। जैसे मैंने बताया कि कक्षा पाँचवीं में अगर पढ़ने वाला बालक जो है, अगर वह हिंदी विषय पढ़ रहा है, हिंदी में उसका मूल्यांकन हुआ, तो मूल्यांकन के 50 उसने जो नंबर पाए, 50/20 पाए हैं, तो यहाँ पर जब 50/20 आए तो नंबर कम आए। तो यहाँ पर अब हम क्या होगा कि इन कारणों के बारे में जानेंगे, कारणों के बारे में, या इसी को कह लीजिए आप निदान। और जब कारण का पता चल जाएगा तब उसका हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। और जब उपचार करने के पश्चात फिर से रिजल्ट आएगा, क्या कह लीजिए, फिर से रिजल्ट आएगा, तो आप देखोगे कि आपको जो यहाँ पर रिजल्ट अब मिलेगा, वह रिजल्ट आपको पहले से क्या मिलेगा, बहुत बेहतर मिलने वाला है। यानी इस कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वह रिजल्ट आपको पहले से क्या मिलेगा, बहुत बेहतर आपको मिलेगा। तो मापन की जो प्रक्रिया होती है वो गुण और मात्रा होता है, लेकिन जो मूल्यांकन की प्रकृति होती है इसमें कह लीजिए गुण भी होता है, मात्रा भी होती है, और कारणों का कारण भी होते हैं, और कारण के साथ साथ क्या करते हो, आप उपचार भी करते हो। तो मापन जो होता है, यानी कह लीजिए मूल्यांकन जो होता है, वो मापन से होकर ही गुजरता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो तो समझो मापन भी उसी के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, लेकिन मापन में मूल्यांकन कभी भी शामिल नहीं होता है। जब आप मूल्यांकन करते हो तो इसमें मापन की जो वैल्यू होती है वो बहुत क्या होती है, एक प्रकार से अगर आपने मापन सही से नहीं कर रखा है तो मूल्यांकन गलत होगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर मात्रा निकाल रखी है कि व्यक्ति के अंदर जो मात्रा है वो 50/10 की है,
तो 10 के आधार पर ही, यानी 50 में से अगर बालक ने 10 नंबर प्राप्त किए हैं तो इन्हीं 10 नंबर के आधार पर ही तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को आप करोगे, यानी जो मात्रा आपको वहां से मिली है, कहां से, मापन से। तो जो आपको मापन से चीज़ें मिली हैं उसी का प्रयोग आप कहां करोगे, मूल्यांकन में करोगे। जब मूल्यांकन में आप करोगे तो मापन पहले से गलत हुआ पड़ा है तो निश्चित है आपका मूल्यांकन की जो प्रगति है, मूल्यांकन की भी प्रगति क्या होगी, आपकी निश्चित गलत ही होना ही है। तो वही बात मैंने यहाँ पर की है कि मूल्यांकन करने में, यानी जब आप मूल्यांकन की प्रगति को करो तो इस चीज़ का आपको क्या है, ख्याल रखना चाहिए कि आप किस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हो और किस प्रक्रिया को आगे आप नहीं बढ़ा रहे हो। तो अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा था ना कि मात्रा के साथ ही कारणों का भी हम क्या करते हैं, पता करते हैं, तत्पश्चात कारणों के आधार पर उपचार करते हैं। यानी तत्पश्चात क्या होता है कि जो आपके पास कारण हैं, कारणों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उपचार की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। यानी तत्पश्चात ही हम क्या करते हैं, तत्पश्चात कारणों के आधार पर ही उपचार की प्रक्रिया को संपादित करते हैं तथा भावी योजना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तथा जो भावी योजना, भावी योजना का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाली जो योजना होती है उस योजना का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि आप लोगों को इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिएगा, एक चीज़ इसमें और है, जब हम लोगों ने पढ़ा था आकलन, तो आकलन में मैंने पूछा था कि क्या आकलन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर मैं कहूँ कि जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वह आकलन पढ़ा था, और आकलन में मैंने पूछा था कि आकलन के आधार पर क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, तो क्वेश्चन ये था आपका कि भविष्यवाणी, यानी आकलन के आधार पर क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, तो आपका उत्तर आया था नहीं की जा सकती, क्योंकि जब उसका रेशियो ही 50-50% है तो वह रिजल्ट कदापि सही आपको नहीं दे सकता। क्योंकि जब आपको पहले से पता है कि उसका क्या है, रेशियो 50% का है, तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो वही बात है कि भविष्यवाणी यहाँ पर क्या है, नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आप मूल्यांकन करते हो, जो आप क्या करते हो, मूल्यांकन की प्रगति को करते हो, तो मूल्यांकन की प्रगति को आपको करने में, यानी मूल्यांकन अगर देखा जाएगा, मूल्यांकन करने में क्या होता है कि जब आप मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपादित करोगे, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया संपादित करने में, अब यही क्वेश्चन अगर मैं फिर से आपके सामने ले आऊं कि भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं, फिर से वही क्वेश्चन, तो यहाँ पे उत्तर पे आप क्या कहोगे, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाँ, हाँ की जा सकती है। क्योंकि जब आप मूल्यांकन कर लेते हो तो मूल्यांकन के आधार पर आप ये कह सकते हो, जैसे आपने अगर बालक दसवीं में पढ़ता है और उसकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, या इंटर में पढ़ता है और इंटर में ही उसकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आप कह सकते हो कि हाँ बालक या इंजीनियर आगे जाके बन सकता है। वहाँ आपने भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी मूल्यांकन करने के पश्चात आपने की ना, बालक को आपने देखा कि हाई स्कूल में अच्छे नंबर प्राप्त किया है, ग्यारहवीं में भी अच्छे नंबर प्राप्त किया और बारहवीं में आया है, तो आपने जब उसकी मार्कशीट देखी है, उससे आपने प्रश्न किए, वहाँ पर आपने उसका मापन की प्रक्रिया को किया, और मापन की प्रक्रिया करने के पश्चात जब आप मूल्यांकन की ओर गए, तब आपको रिजल्ट मिला कि वह पढ़ने में बालक जो है वह बहुत अच्छा है, और जब बालक बहुत अच्छा है तो इसका मतलब आप उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो कि हाँ यह बालक जो पढ़ने में अगर अच्छा है तो निश्चित है इसको जो अंक मिलेंगे वह अच्छे मिलेंगे, और यह भविष्य में एक अच्छा इंजीनियर, अगर उसका बायो वगैरह अच्छा है तो यह एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, या अगर अच्छा खेलता वगैरह है तो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। यानी जब आप मूल्यांकन
की प्रगति को पूरा कर लेते हो तो मूल्यांकन की प्रगति पूरा करने के पश्चात आप यह भविष्यवाणी कर सकते हो कि बालक का जो आगे का आने वाला समय है, यानी जो बालक का आगे आने वाला समय है, वह समय कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, यानी इस बारे में आप भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भविष्यवाणी करना चाहोगे तो आप भविष्यवाणी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मूल्यांकन की यही प्रक्रिया है कि आप कह सकते हो कि आकलन में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकलन के आधार पर क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, तो आकलन के आधार पर भविष्यवाणी कभी भी आपकी नहीं की जा सकती है। यानी आकलन के आधार पर आपकी जो भविष्यवाणी है वह कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर अगर आप भविष्यवाणी करना चाहोगे तो मूल्यांकन के आधार पर आपकी जो भविष्यवाणी है वह भविष्यवाणी क्या है की जा सकती है। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट लगभग आपको क्लियर ही हो गया होगा। आगे बात करते हैं, एक लाइन आपके और बची है कि कारणों के आधार पर उपचार करते हैं तथा भावी योजना का निर्माण करते हैं, यानी बालक को देखते हैं कि नंबर कम पाया है तो नंबर कम क्यों पाया है और उसी के आधार पर ही हम आगे की योजना बनाते हैं कि इसका मैं कैसे उपचार करूं कि बालक आने वाले समय में अच्छे नंबर पाए। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि भावी योजना का निर्माण करना होगा और कुछ ऐसे प्रगति आपको लानी होगी या कुछ ऐसे शब्द को लाना होगा जिससे बालक अच्छी योजना का निर्माण कर पाएगा। आगे लाइन में देखिएगा, कक्षीय या उसी के हैं कि कक्षीय या परंपरागत के आधार पर जो मूल्यांकन की प्रकृति होती है वह कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कक्षीय या परंपरागत के आधार पर मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है आपका, चार प्रकार का होता है। अब मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो अब जो हम देखेंगे वह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि निश्चित है यह मूल्यांकन ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है। धन्यवाद, नमस्कार।